गाइस अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ, आप सब ठीक होंगे अल्लाह के करम से। न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और देखो काम हो गई, मैं फिनिश डाल, देखते हैं आपको ब्लॉग में दिखाएंगे आज मैंने क्या किया क्या नहीं किया, सारा दिखाएंगे ब्लॉग में। आज हमने सब कपड़े डाल दिए हैं घर में, जितने खराब हो रहे थे, कोई टाइट है, कोई ढीला है, कोई पुराना है, कोई नया है, जो नए नए कपड़े हैं ये देखो, बहुत अच्छी पहले से थी, अब इसे हम नई डिजाइन की सिल रहे हैं। पूरी सलवार उधड़ दी है मैंने, अब ये देखो कितनी सलवार है, इसे मैं सिलूंगी, ये पूरी उधड़ दी है, अब इसे सही करेंगे। और देखिए ये वाला सूट उधड़ दिया है, ये सिला हुआ पहले तैयार था बिल्कुल, और इसमें ये जो है धुलने के बाद इसके नेट बहुत ज़्यादा टाइट हो गई, तो ये पहना नहीं जा रहा है और ये उधेरा है। अब इसकी हम पूरा प्रेस करेंगे, फिर इसकी फिटिंग लगाएंगे, फिर तुरपाई करेंगे। आज हमने बहुत सारा काम फैला लिया, जितने कपड़े ख़राब थे उन्हें सही करने का जुम्मा ले लिया है। ये देखो ये नई है बिल्कुल भी, ये वाली, इसे भी हमने ढीला टाइट जो भी है इसका पूरा काम करा है, सब में लगे पड़े हैं आज हमें, और कोई पता ना आज मैं फाइनल हूँ ना हूँ, मेरे लिए काम ही काम बाकी है। इसमें भी नीचे करा है, इसमें पट्टी लगा के और ये काम कर दिया है मैंने, और पूरा काम होगा तो मुझे कम से कम 4-5 घंटे लगेंगे। अभी ये वाला काम भी बाकी है, इसकी भी फिटिंग लगाएंगे कुर्ते की, ये बहुत ढीला है, इसका भी फाइनल। ये मशीन पर काम करते करते मुझे लग गई भूख, तो कुछ ना मिला खाने को, देखो घर में एक केला मिला है। और अभी ये काम ख़त्म होने का नाम ना ले रहा, मुझे 3 घंटे हो गए, अभी आधा आधा हुआ है सब में, कोई भी पूरा ना हुआ कंप्लीट, किसी का आधा रह गया किसी का पूरा रह गया। मुझे नहीं लगता कि आज मैं कंप्लीट कर पाऊँगी इन्हें, पर लगी पड़ी हूँ, शाम तक कर लूँगी तो बेहतर है, देखते हैं कितनी देर में होता है। 2-2.5 घंटे से ज़्यादा हो गया मुझे, पहले इन्हें केला खाते फिर काम करते हैं। सूट कर लिए मैंने रेडी, मुझे बहुत लगा, और इतना टाइम ही से काट के सिलने में लगता है, इतना ही इनकी संभालने में। इसे मैंने काट के इसकी फिटिंग लगाई, और देखो इसमें भी ये भी बहुत दिनों से रखी थी, ये गलत सिल गई थी, तो ये पूरी उधड़ के नई सिली, सही हो गई बस, अब मेरी मेहनत रंग ले आई। और इसमें भी थोड़ा बहुत काम किया, देखो ये भी कुर्ता था, ये भी सही कर लिया मैंने, और ये वाला भी, ये वाला भी फिटिंग का कर लिया। अच्छा कुर्ता कॉटन का है, ब्लैक है, लेकिन ये व्हाइट होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ये ब्लैक है फिर भी अच्छा। कोई भी काम करो बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं हो गई फ्री, अब घर में करूँ काम, खाने का हो गया टाइम। सेब लिया है मेरा चश्मा, खुद लगा के देख रहा, देखिए इधर को तो साफ दिख है, ऐसा लगा दिमाग घूम रहा है, मुझे तो लग गया रिपेयरिंग सेंटर, अब नेक्स्ट साइड दिख रहा है। मैं इसकी इतनी कमजोर हो गई हूँ, मैं देख देख के और का मोबाइल में ही लगा रहे हुए, छोटे वाले से देख, कपड़ा ऐसे ही चल रही है ना, तो चलो काई को चले, कुछ खाने दियो के ऐसे ही, कपड़े ले आओ और मैं अपे लिया, और मैया गुस्सा हो गई, हमारा मैं अपे मंगा रही नए, चलो तो ऊपर कोट चले, चलो मम्मी दे रही, चलो तो बिल्कुल आ रहे, चलो हंस के दिखाइए मायरा, मायरा मुझे बुला के लेके आई है, मेरे नए कपड़े दिलवा ला, चलो मैं इतनी बड़ी बड़ी चप्पल पहन के लाभ आगे तो कमी डोली कमी बुला रही, चलो ये आया मेरा न्यू चश्मा बनके, और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं चश्मे बिना बहुत परेशान थी, और इसलिए मुझे नया बनवाना पड़ा,
और बताना ये कैसा लग रहा है मेरे चेहरे पे। अच्छा है, पहले वाला अच्छा है कि ये वाला अच्छा लग रहा है? मुझे तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वो कम अच्छा लगता क्योंकि मैंने बहुत दिन बना लिया। निशा आपकी सो रही है और हम घूम रहे हैं। यहाँ भी देखो सिलाई रिपेयरिंग का काम चल रहा है। हमारे यहाँ इतने कपड़े सिले जाते हैं, बहुत ज़्यादा है। किसी न किसी की मशीन सिलाई चालू रहती है। ये देखो सब दावत खाने गए, बाप बेटा दोनों, और हम माँ बेटी कहीं नहीं गए क्योंकि जहाँ से भी दावत आई एक बहुत दूर गए एक बहुत पास गए। और ये देखो कमरे का हाल क्या बना गया, और ऐसे ही नीचे पड़ा है। अब साफ कर, घंटे बाद आएंगे दावत खा कर, फिर इतना ही गंदा। आए गो तुम अपनी पूरी ले आते थ्री व्हीलर। वो वजन की तो है भाई। अच्छा कुछ गिर गया ऊपर से। और सैफ के पापा गए थे शादी में, हम नहीं गए। और देखो सुबह आते ही उन्होंने जूते डाल दिए, ये कपड़े डाल दिए, और हमें करनी है उनकी सफाई। और हो सके तो वो कल भी जाएंगे शादी में, हम न जा रहे कहीं भी। और आते अब करते हैं मैं सुबह का काम, और ये मेरा काम बाकी है, मिलेंगे नहाने के बाद। नहाने के बाद मिलेंगे, उसके बाद हमें देखते हैं क्या काम करना है, दिखाएंगे आपको ब्लॉग में।